जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और आगाज़ में मैंने आपसे बात की थी सोशल वर्क के हवाले से, उन लोगों के हवाले से जो दूसरों की खुशियों के लिए और दूसरों की मुसीबत में उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि उनके साथ भी कुछ मिसहाप हो सकता है या उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक बड़ी एक अच्छी सलाहियत डाली। और इस तरह के एक जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अक्सर हम उनसे इन चीज़ों के हवाले से बातचीत करते रहते हैं, आज भी थोड़ा सा उन्हीं बातों पे फोकस करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आसिफ महमूद जा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कि एक बार फिर आप आए। और वाकई आपकी जो खिदमात हैं और जो सोशल वर्क आप कर रहे हैं वो वाकई इस तरह से चल रहा होता है कि कहते हैं ना कि एक हाथ से करो दूसरे हाथ को नहीं पता चलता, तो आई थिंक आपका काम भी इसी तरीके का है। तो अभी फिलहाल मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इस तरह के हालात के अंदर किस तरह से सोशल वर्क को आप कंटिन्यू करे हुए हैं, क्योंकि अपनी जान का भी ख़तरा होता है, आप जानते हैं कोरोना भी चल रहा है, चीज़ें भी बहुत सारी ऐसी हैं, तो किस तरह से इन चीज़ों को आप कवर कर रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपने बुलाया। सोशल वर्क जो है ना, सबसे पहले मैं इस अपनी बात का आगाज़ करूँगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस है कि खैरुन्नास मन यन्फउन्नास, के इंसानों में से वो बेहतर है जो दूसरे इंसानों की भलाई के लिए काम करे। क्या बात! अच्छा, क्या देखें इसमें बात, देखें खैरुन्नास मन यन्फउन्नास, लोगों की, इंसानों की, ये नहीं है कि खैरुल मुस्लिमून, बिल्कुल, मतलब इंसानों की। तो मोहब्बत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंस्पिरेशन है। ये बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, आपकी पूरी ज़िंदगी एक मुसलमानों के लिए एक इंस्पिरेशन है और गाइड है, हमें प्रोवाइड कर, उसवा हसना से हम सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को मद्देनज़र रख के, और फिर कुरान पाक में है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। बेशक। तो इसको मिशले राह बना के अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरी की तालीम हासिल की और उसके बाद ये काम शुरू कर दिया, मेडिसिन का भी, मेडिकल के शोबे में भी, क्यों चूँ बेसिकली तो मैं एक डॉक्टर हूँ। Exactly. और अल्हम्दुलिल्लाह सिविल सर्विस में आने के बावजूद भी डॉक्टरी जारी रही और अभी तक जारी है। बेशक। तो आजकल हम जो काम कर रहे हैं, एक तो विंटर है, सर्दियां हैं, बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं, हम पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे विंटर पैकेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा। माशाल्लाह बहुत अच्छी रज़ाइयां और स्वेटर्स वगैरह वो बनवाई हैं, सवात में, गिलगित में, चतराल में, बन्नू में, मरदान में, और जहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स हैं तो वहाँ वो हम कर रहे हैं। दूसरा, हमने कोविड 19 के दिनों में एक लिस्ट बनाई थी विडोज़ की और उन बेरोज़गार लोगों की जो जो जिनके पास रोज़गार नहीं है, हाँ, जो कोविड 19 की वजह से बेरोज़गार हुए हैं, तो उनमें हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसके अलावा मेडिकल के फील्ड में हमारी माशाल्लाह डिस्पेंसरीज़ हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, 40 के करीब डिस्पेंसरीज़ हैं, वहाँ इलाज और ख़िदमत का सिलसिला जारी है। और हमारे हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर में एक मेजर हॉस्पिटल है और एक यहाँ बारा को इस्लामाबाद में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज होता है और वहाँ लोग आते हैं माशाल्लाह। अभी साउथ वज़ीरिस्तान का नवंबर में मैं गया था, अपने हादसे के बाद पहली दफ़ा दौरा किया और वहाँ जाके हमने लोगों को चेकअप भी किया, इलाज भी किया और उनकी आँखों के ऑपरेशन भी हमने किया। हमारे पास माशाल्लाह दो मोबाइल हॉस्पिटल हैं। अच्छा। और मोबाइल हॉस्पिटल में एक तो जगह जगह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके, जिसमें थायर भी शामिल है, तो वो वहाँ जाके हम कैंप लगाते हैं। और बेसिक काम जो पैशन है मेरा, जो हमने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्म किया हुआ है गुज़श्ता 8 साल से, कि प्यासों को पानी पिलाना है, प्यासों, भूखों की प्यास मिटाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि प्यासों को पानी पिलाना, किसी प्यासे को पानी, बेहतरीन सदका जारी है। सही। तो 2014 से हम थर में मसरूफ अमल हैं और थर के सहरा में हमने माशाल्लाह इस वक्त तक कोई 1000 से ज़्यादा मीठे पानी के कुएँ बनवाए हैं। लोग अपने प्यारों को साले साहब सवाब पहुँचाने के लिए, सदका जारिया के लिए लोग अतियात देते हैं, तो उसके लिए हम वहाँ माशाल्लाह कुएँ डिग करवाते हैं। अच्छा। और माशाल्लाह हमने, जैसे मैंने पहले कहा कि खैरुन्नास मन यन्फउन्नास, कि आप सलसल में फरमाया कि बेहतर इंसान वो है जो दूसरे इंसानों की भलाई के लिए काम। सही। आप थार के बारे में आप जानते हैं कि थार पाकिस्तान का एक वसी और अरीज सहरा है और उसमें थार की आबादी में मुसलमान 50%
50% मुसलमान हैं और 50% बाज़ इलाके ऐसे हैं कि टोटल हिंदू बसते हैं। अच्छा। तो वहाँ हमने माशाल्लाह विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर, क्रीड और रिलीजन हमने काम किया है। और हिंदुओं के गोटों में अगर 1000 हमने कुएं बनवाए हैं टोटल, तो हिंदुओं के गोटों में हमने 450 कम्प्लीट वो हिंदू बहन भाइयों के लिए बनवाए हैं। अच्छा। और वहाँ मैं जब जाता हूँ थर में जाता हूँ तो वो हिंदू औरतें महाराज कह के और इस तरीके से वो तो समझते हैं कि जी डॉक्टर साहब आ गए। और अभी मेरा जब हादसा 19 जून को हुआ तो सबसे ज़्यादा दुआइयाँ वो हिंदू औरतों ने, तो मुझे लगता है शायद अल्लाह ने सबकी दुआएं भी कबूल हुई, किसी हिंदू औरत ने कोई ऐसी दुआ की वो तो अल्लाह को पसंद आ गई। तो हमने माशाल्लाह वो काम किया। गुज़श्ता सितंबर में एक बड़ी वीडियो वायरल हुई कि दादू में किसी जगह एक जोहड़ बना हुआ है और जोहड़ का गंदा पानी लोग पी रहे हैं। अच्छा। और वो बच्चे भी वो गंदा पानी, जब गदला साफ नजर आ रहा था सही, कि स्याही माहल पानी है, तो वो वीडियो वायरल हुई तो मैंने देखी। वहाँ कुदरती उस बंदे का नंबर भी लिखा हुआ था। अच्छा। तो मैंने नंबर देखा तो मैंने उसको कॉल किया तो फिर अपने बंदों को दिया, तो हम वहाँ दादू में मेरी टीम पहुँची। उन दिनों वहाँ सैलाब भी आया हुआ था, तो माशाल्लाह उधर हमने उस जगह पे दादू में जहाँ कोई पीने का पानी मुयस्सर नहीं था, तो हमने 200 हैंड पंप वहाँ लगाए हैं, छोटे भी बड़े भी। ओ वहाँ माशाल्लाह अब उस एरिए में जहाँ साफ पानी नापेद था और लोग तरह तरह की जो वाटर तरस रहे होंगे इस तरह के साफ पानी, तरस रहे थे पानी को भी तरस रहे थे, और फिर वाटर बॉर्न डिजीजेज जैसे कॉलरा है, डायरिया है और टाइफाइड है, बिल्कुल, इस तरह की बीमारियों में मुब्तला थे। तो वो माशाल्लाह हमने बड़ी है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके जाफराबाद में, वहाँ पानी का बहुत मसला। अच्छा। था तो वहाँ हमने पानी का आगाज किया। क्योंकि तो, इस तरह के मोस्टली इलाकों में तो पानी की सबसे ज्यादा किल्लत नजर आती है। जी, बेसिक नीड जो है, बेसिक ह्यूमन राइट जो है कि साफ पानी मुयस्सर हो, खाने की बात तो बाद में है। हाँ जी। और वो थर में तो इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है कि वहाँ की औरत जो है ना बेचारी सबसे ज्यादा मुतासर है कि वो थर की औरत एक साड़ी में सारी ज़िंदगी गुजार देती है। जब मैं कैंप में हमारे आती थी वो ख्वातीन, वो कहती कि साईं पानी नहीं है, पानी नहीं है तो कैसे हम कपड़े धोएं, कैसे खाना खाएं, खाना खाएं, और पानी 100 ज़रूरतें बंदे की पूरी करता है। सही बात है। तो वो वहाँ माशाल्लाह हमने अपना एक तो पानी का काम किया, फिर हमने रिलीफ, फिर हमने सोचा कि ये ज़मीन जो है ये रेतली ज़मीन है और ये वर्जन लैंड है, इस पर कोई काश्तकारी नहीं हुई, तो हमने वहाँ ग्रीन फार्म तहरीक शुरू की। हाँ, अच्छा। कि हम वहाँ ग्रीन फार्म बनाएंगे। और हमने फिर माशाल्लाह वहाँ जो है ना थर को, सेहरा को गुले गुलजार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने किया, वहाँ सब्जियाँ उगना शुरू हो गई और वहाँ चारा जानवरों के लिए उगना शुरू हो गया, गंदम उगनी शुरू हो गई। और वहाँ इस वक्त माशाल्लाह हमने 500 एकड़ रकबे पे तकरीबन 150 ग्रीन फार्म बनाए हैं, और वहाँ से सब्जियाँ भी पैदा हो रही हैं, प्याज भी पैदा हो रहा है, टमाटर भी पैदा हो रहा है, और दो दफ़ा गंदम, दो दफ़ा कटाई होती है। अच्छा अच्छा। तो वो फिर माशाल्लाह वहाँ आप जाके देखें कि ऐसे गुमान होता है कि ये पंजाब के खेत बने हुए हैं। सही बात है। और फिर वहाँ की औरतों के लिए हमने सोचा कि औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाएं, तो वहाँ हमने सिलाई मशीनें पहुँचा के वहाँ ये औरतों को शुरू किया। और इसके साथ साथ फिर अपना रोज़गार स्कीम हमने एक शुरू की कि जो विडोज़ हैं या डिसेबल्ड लोग हैं उनको हमने बकरियां लेके दी। अच्छा। अच्छा, बकरी का ये है कि बकरी साल में दो दफ़ा ब्रीड करती है, बच्चे देती है, तो साल में तकरीबन एक बकरी की 5 बकरियां हो जाती हैं और फिर बच्चे उनका दूध भी पीते हैं। और तो वो माशाल्लाह वो भी स्कीम के बकरी पाल स्कीम जो है हमारी वो भी कामयाबी से जारी है। और इस तरह मतलब जब भी कोई मौका आता है, ईद आती हैं तो उसमें भी हम सब बेचते हैं। और ईद की जब कुर्बानी आती है तो हिंदुओं के लिए अलग से हम कुर्बानी करते हैं, तो हिंदू उनकी जो हिंदू आबादी है वो साफ कहते हैं, कहते हैं कि साईं हमारे लिए अगर गाय की कुर्बानी आप करेंगे तो हम गोश्त नहीं खाएंगे, बैल का गोश्त खा लेंगे। अच्छा। तो फिर हम स्पेशली उनको मद्देनज़र रखते हुए तो उनके लिए हम बैल की कुर्बानी करते हैं या अच्छा। या बकरे की कुर्बानी करते ठीक, हैं ठीक ठीक। तो इस तरीके से माशाल्लाह सिलसिला जारी है, सारा साल ही ये कार्रवाइयाँ होती चीज़ें चलती रहती हैं, बिल्कुल चीज़ें चलती रहती हैं। कोविड के दिनों में पहली लहर जब आई तो बहुत ज़्यादा था कि सरकारी हॉस्पिटल बंद हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए और ओपीडीज़ बिल्कुल बंद हो गई,
मगर हमारा इधर बाराको में माशाल्लाह हॉस्पिटल चलता रहा, लाहौर में हॉस्पिटल चलता रहा, हमारी डिस्पेंसरियों पे भी इलाज होता रहा। अच्छा, इसी चीज़ से एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो आप जो कैंप्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपके पास हर फील्ड का जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है वो मौजूद है? जी, हमारे पास माशाल्लाह आई स्पेशलिस्ट भी हैं, दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, और फिर अल्ट्रासाउंड की भी है, और हमारे पास एक अभी हमने पहले एक मोबाइल हॉस्पिटल था, अभी हमने जब दूसरा मोबाइल हॉस्पिटल जो बनवाया है तो उसमें आई का ऑपरेशन थिएटर भी है, यानी उसी के अंदर ही ऑपरेशन, वहाँ पर आप ऑपरेट कर सकें। हाँ जी, जहाँ पे दो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उसको हम लेके जाते हैं, तो वहाँ पहले से स्क्रीनिंग कर ली होती है कि किन पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पहुँच के फिर वो माशाल्लाह और सारे इक्विपमेंट्स आपके जो होते हैं वो आपके मोबाइल के अंदर ही वहाँ पर, मोबाइल हॉस्पिटल के अंदर ही होते हैं। ओके, तो इस तरीके से फिर विडोज़ की मदद, डिज़र्विंग स्टूडेंट्स की मदद, तो ये सिलसिला चलता रहता है। और असल में बात यह ना कि पाकिस्तान के लोगों में देने का जज्बा बहुत है माशाल्लाह। कभी हमें कोई, जब भी कोई आफत आई है, जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई जलजला आया है या सैलाब आया है या कोविड के दिनों में, तो लोगों ने मतलब इतना वो देते हैं, लोग इतना बड़ा अतिया दे देते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका नाम ना आए। अभी माशाल्लाह ये जब से सर्दियाँ आई हैं, हमने 4,500 रज़ाइयाँ जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की रज़ाइयाँ हैं वो तकसीम की हैं। फैसलाबाद से एक डोनर हैं, एक लाहौर से हमारे डोनर हैं, और वो माशाल्लाह अभी कल ही उन्होंने 500 रज़ाइयाँ और भेजी, तो मैंने गिलगत और हुंजा के लिए that's great. तो ये माशाल्लाह इस तरह सिलसिला है जारी है। ये तो सिलसिला ऐसे ही सर चलता रहेगा, क्योंकि आप जिस राह पर चल पड़े हैं वहाँ अल्लाह ताला मजीद आपके लिए रास्ते खोलता चला जाएगा, और आप सारी चीज़ों के अंदर आसानियाँ आप लोगों के लिए पे वो करते जाएंगे। अभी हम कोरोना के हवाले से भी बात कर रहे थे, अभी दोबारा ये पेंडेमिक की दूसरी लहर आई है, स्कूल्स खोल रहे हैं फिर बंद हो रहे हैं, अब दोबारा विंटर वेकेशन के बाद दोबारा स्कूल्स खुलेंगे, तो आप डॉक्टर भी हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अब हमें और किस तरह से अपनी एहतियात को मजीद बढ़ा देना चाहिए कि जैसे स्कूल्स खुलकर एक डर और खौफ की वजह से दोबारा बंद हो गए थे, तो अब वो वाली नौबत ना आ सके और लोगों को पता हो कि अब जो सेकेंड वेव है इसमें हमें और मजीद किस तरह की एहतियात करनी चाहिए? देखें जी, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हुई कि सेकेंड वेव आई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी प्रोग्राम में आपके साथ ही बात करते हुए कहा था कि इंशाल्लाह फरवरी तक ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, और फरवरी सर पे है मगर ख़त्म होता जा रहा है ना। देखें, पहले 100 डेथ्स और इतने पॉजिटिव केसेस, अब कम होना, बदतरीज कमी होनी शुरू हुई। आज 36 थे, कल 40 थे, उससे पहले 39 थे, तो इसी का, वरना ये 100 क्रॉस कर रहे थे। अभी 10,000 से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, मगर अमेरिका में देखें 3,00,000 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं, और टोटल जो है पता नहीं काफ़ी ज़्यादा लाखों में, करोड़ों में लोग मुतासर हैं। तो पाकिस्तान में तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही है, मगर ये है कि एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अभी स्कूल इंशाल्लाह खुल जाएंगे, तो स्कूल में जो SOP पे हैं, जो फासला रखना है, मास्क पहनना है, और अपने आप को सर्दी से, आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, अपने आप को बचा के रखें, खासकर जो एलर्जी के पेशेंट्स हैं, जो नज़ला ज़ुकाम वगैरह रहता है या बुखार भी साथ हो जाए या आपको ब्रेथलेसनेस हो जाए, तो फिर थोड़ा सा अपने आप को क्वारंटीन कर लें। तो इस तरीके से मतलब है, जो असद उमर जो वफाकी वज़ीर हैं इसको कंट्रोल कर रहे थे इसके सेल को, तो कल उनका भी बयान था कि हमने बेहतर तरीके से SOPs पे अमल किया है, तो इसी वजह से ये मदहम हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि मदहम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम केसेस, और आइंदा भी अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमने कहा, मगर ये है कि एहतियाती तदाबीर है, मास्क पहनना, कोई इतनी देखें मास्क का डबल फायदा है कि आपको सर्दी से भी बचाता है, आपको एलर्जिन से, जो जिस वजह से एलर्जी, हर लिहाज से आपका फायदा ही पहुंचा रहा है, और महंगा भी नहीं है इतना, महंगा भी नहीं है, और फिर पर्दे का पर्दा भी है। तो इसलिए मतलब है इस पे अमल करके, और ज़्यादा जो ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, ठंडी चीज़ें आजकल तो वैसे भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, और पानी उबाल के या गर्म पानी इस्तेमाल करें, और पानी में शहद मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
हमने कोरोना के लिए, कोरोना से बचाव के लिए जी जो वो बिल्कुल एक शरबत बनाया था आपने, सिरप बनाया था, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोरोना प्लस सिरप के नाम, घर में भी बना सकते हैं कि एक कप गर्म पानी ले लें, उसमें एक चम्मच शहद का डालें, एक चम्मच छोटा हल्दी का डालें, या गर्म पानी ले लें या गर्म दूध में डाल के इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उससे भी फ़ायदा होगा। और अपने आप को मतलब सर्द मौसम में अपने खासकर बच्चों को, छोटे बच्चों को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि निमोनिया आजकल जो है बड़ों को भी बचा के रखना चाहिए, खासकर जो बुज़ुर्ग हैं तो उनकी छाती का, तो उसमें बड़े और या बच्चे छोटे जो विटामिन सी का इस्तेमाल करें, और आजकल तो किन्नू और ऑरेंजेस वगैरह हैं, ये भी आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाते हैं। फिर सेवन सीज ऑयल है के कैप्सूल मिलते हैं, अच्छा। तो वो बहुत अच्छे हैं, जो मछली कॉड लिवर ऑयल के हैं, मछली आजकल बहुत बिल्कुल अब तो सीजन में है, ये सारी चीजें हैं, तो इसका भी फायदा है। तो ये है कि इंशाल्लाह एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखेंगे तो कोरोना की ये दूसरी लहर भी गुजर जाएगी, और तीसरी से पाला ही नहीं हमें पड़ेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे कि आपकी जो बात है वो वाकई सच हो जाए, और जैसे कि आपने कहा वो बात हकीकत है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हमें पहली लहर से वापस बाहर निकाला, और दूसरे ममालिक में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुए थे, उसके मुकाबले में तो हमारा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, और सेकेंड वेव भी इसी तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती चली जा रही है, और हम तीसरी का सामना ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और अल्लाह ताला इसी तरीके से आपके जितने भी ये सोशल वर्क के काम हैं इसमें आपको और काम कर लेकर चलता रहे। बहुत शुक्रिया। बस कोशिश यही है कि इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, जो हादसे होते हैं, वो ना हो जी, और लेकिन जिस तरह आप मदद कर रहे हैं वो अल्लाह ताला आपके ज़राए और मजबूत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और नाज़रीन इसी के साथ यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।